गुड आफ्टरनून टू माई सेल्फ मनीष सिंह, लेक्चरर, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, IIT कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक, रिटर्न अवेदा। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट परमेबिलिटी ऑफ सॉलिड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल अबाउट द परमेबिलिटी। परमेबिलिटी इज द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, और यू कैन से दैट इज द जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो जो परमेबिलिटी होती है उसका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा रोल होता है। परमेबिलिटी के हिसाब से ही, परमेबिलिटी पे डिपेंड करते हुए सॉइल जो है अपना वेरियस टाइप का बिहेवियर शो करती है। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे साइड पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन कि परमेबिलिटी क्या है। देखिए, आप जैसे कि फिगर में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है हमारा एक सॉइल सैंपल। जैसा कि एक नॉर्मल एक पर्सन होगा वो क्या देखेंगे, सॉइल इस टाइप से है या फिर हमारा ये इस टाइप से हमारी सॉइल है। लेकिन एक सिविल इंजीनियर को क्या दिखाई देगा, सिविल इंजीनियर को दिखाई देगा कि सॉइल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड स्केलेटन एंड पोर्स। पोर्स मतलब वॉइड्स जिनके अंदर पानी भरा होता है। अगर हमारे सॉइल के अंदर वॉइड्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो फिर वो एक सॉइल ना कहलाते, क्या कहलाएगी, एक रॉक कहलाएगी। तो अगर हमारी सॉइल में सॉलिड हो, सॉलिड के साथ साथ वॉइड्स होने बहुत जरूरी है। अगर वॉइड्स नहीं होंगे तो उस केस में उसको सॉइल नहीं कहेंगे। इसलिए हम कहते हैं सॉइल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड प्लस वॉइड्स। अब जो वॉइड्स के अंदर एयर भी भरा हो सकता है, वाटर भी भरा हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो ये वाले हमारे पार्टिकल्स हैं, ये तो हमारे होते सॉलिड पार्टिकल्स, और दो सॉलिड पार्टिकल्स के बीच जो खाली जगह है, जो एम्प्टी स्पेस है, आर नोन एज वॉइड्स। अब ये डिपेंड करता है कि हमारी जो सॉइल है उसके अंदर एयर भी भरी हो सकती है, वाटर भी भरा हो सकता है, और उसके साथ साथ उसमें दोनों चीज भी हो सकते हैं। मान लीजिए जिस तरीके से आपके 10 लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे कि 10 वॉइड्स हमारे हैं, तो 10 में से हो सकता है कि 4 के अंदर एयर भरी हो और 6 के अंदर हमारा वाटर भरा हो। तो उस केस में उस टाइप की सॉइल को हम कहेंगे पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। अगर सारे वॉइड्स में कंप्लीटली पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, तो उस केस में हम उसको कहेंगे फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। और अगर हमारी जो सोइल के वॉइड्स में कंप्लीटली एयर भरी, दैट मीन्स पानी नहीं है, तो उस केस में उसको बोलेंगे कंप्लीटली ड्राई सोइल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आ गई कि सोइल जो है, सोइल के अंदर जो वॉइड्स होते हैं उनमें पानी भरा हो सकता है, एयर भरी हो सकती है। अब हम बात करते हैं परमिबिलिटी की। तो परमिबिलिटी के लिए आपको पहला केस पता लग गया कि अगर आप परमिबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं तो उस केस में हमारी जो सोइल के वॉइड्स है उसके अंदर कंप्लीटली पानी भरा होना चाहिए। दैट मीन्स सोइल शुड बी कंप्लीटली सैचुरेटेड। तो सोइल जो है हमारी कंप्लीटली क्या होनी चाहिए, सैचुरेट होनी चाहिए। उसी केस में परमेबिलिटी को डिस्कस कर सकते हैं। क्यों, कि परमेबिलिटी क्या है, परमेबिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ सोइल टू ट्रांसमिट या टू एडमिट द वाटर फ्रॉम द इंटरकनेक्टेड वॉइड्स। मतलब कहने का क्या है कि सोइल परमेबिलिटी क्या है, परमेबिलिटी है सोइल की वो क्षमता जिसकी वजह से सोइल जो है अपने अंदर इंटरकनेक्टेड वॉइड्स के थ्रू वाटर को पास होने देती है। तो अगर किसी सोइल में वॉइड्स है और वो इंटरकनेक्टेड नहीं है तो उस केस में उसकी परमेबिलिटी बहुत कम होगी, निग्लिजिबल होगी। तो ये रिक्वायरमेंट है कि अगर आप चाहते हैं कि सोइल में अच्छी परमेबल हो, आप चाहते हैं कि सोइल आपकी अच्छी परमेबल हो, तो उस केस में हमारी सोइल के अंदर जो वॉइड्स है वो इंटरकनेक्टेड होने चाहिए, क्योंकि उन इंटरकनेक्टेड वॉइड्स के थ्रू ही हमारा वाटर पास होगा। तो यहाँ पे यही चीज होती है कि सॉइल जो हमारी परमेबल होती है ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ नॉट वॉइड्स, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरकनेक्टेड वॉइड्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंसिडरेशन इन सॉइल मैकेनिक्स इज द इफेक्ट ऑफ वाटर इन द सॉइल ऑन इट्स इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज एंड हेंस बिहेवियर। तो यानी कि अब हम बात करें, जब भी हम परमेबिलिटी की बात करते हैं, परमेबिलिटी का मतलब यही है कि सॉइल के इंटरकनेक्टेड वॉइड्स के थ्रू वाटर का पास होना। तो जब वो वाटर पास करता है तो उस केस में सॉइल की जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज होती है उस पे क्या इफेक्ट आता है वाटर का। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो टेक्निकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स समहाउ है वाटर एसोसिएटेड विद देम इन वेरियस वेज। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वाटर है हमारा, जो टेक्निकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में किस तरीके से हमारा जो वाटर है वहां पे एसोसिएटेड है, उसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट जो टेक्निकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हमारी आती हैं और उन्हें को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ एप्लीकेशन है हमारे जो
क्योंकि क्योंकि हम परमेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि परमेबिलिटी हम पढ़ क्यों रहे हैं, परमेबिलिटी की जो टेक्निकल डिजाइन में क्या इंपॉर्टेंस है। देखो परमेबिलिटी इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ ए सैचुरेटेड सोइल अंडर लोड। तो यहाँ पे यही कहना चाहता है कि रेट ऑफ सेटलमेंट यानी कि अगर किसी भी सोइल के सैंपल पे आप ऊपर से लोड लगाते हैं तो सीधी सी बात है कि जो हमारी सोइल है वो नीचे सेटल करेगी, तो परमेबिलिटी पे वो डिपेंड करेगा कि उसका रेट ऑफ सेटलमेंट क्या होगा। जैसे कि अगर किसी भी सोइल की परमेबिलिटी काफी ज्यादा है, दैट मीन्स उसका रेट ऑफ फ्लो जो वाटर का वॉइड से निकलने का रेट ऑफ फ्लो काफी ज्यादा होगा, यही मतलब है परमेबिलिटी का, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दी एक्सपुल्ड फ्रॉम दी सोइल, ठीक है। तो यहाँ पे यही हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी सैचुरेटेड सोइल है अगर उसकी परमेबिलिटी ज्यादा है तो उस केस में उसका रेट ऑफ सेटलमेंट काफी ज्यादा हो। क्यों ज्यादा हो? क्योंकि वहां पे पानी काफी तेजी के साथ बाहर आएगा, वाटर जो आपका काफी तेजी के साथ एक्सपेल्ड आउट होगा, ठीक है। और अगर आपकी परमेबिलिटी कम है तो उस केस में आपका जो वाटर है वो कम रेट से क्या होगा, एक्सपेल्ड आउट होगा। अब जैसे ही वाटर हमारे वॉइड से बाहर निकला तो उसी के साथ क्या होगा कि हमारी जो सोइल है वो नीचे सेटल कर जाएगी, ठीक है, नीचे सेटल कर जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे परमेबिलिटी जो होती है वो तो काफी ज्यादा इंपैक्ट करती है रेट ऑफ सेटलमेंट्स को। उसके अलावा डिजाइन ऑफ अर्थ डैम्स इज वेरी मच बेस्ड ऑन द परमेबिलिटी ऑफ सोइल यूज्ड, ठीक है। अब जैसे कि हमारा अर्थन डैम्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, परमेबिलिटी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, क्योंकि वहां पे क्या है कि अगर हमारी सोइल जो जिसपे अर्थन डैम बना है उसके नीचे के अगर सोइल हमारे ज्यादा परमेबल होगी तो उस केस में हमें ज्यादा दिक्कत आएगी, पाइपिंग की दिक्कत उसमें आ जाती है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारी सोइल इतनी ज्यादा परमेबल ना हो अर्थन डैम के केस में। फिल्टर्स मेड ऑफ सोइल आर डिजाइन बेस्ड अपॉन इट्स परमेबिलिटी। जो फिल्टर्स हमारे होते हैं वो भी परमेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे सोइल में वाटर पास हो रहा है, फिल्टर्ड हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में अगर सीधी सी बात है कि अगर जितनी ज्यादा सोइल की परमेबिलिटी होगी उतना ही ज्यादा वाटर फिल्टर होगा, और जितनी परमेबिलिटी कम होगी उतना ही हमारा वाटर कम फिल्टर होगा। उसके बाद भी स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स एंड रिटेनिंग वॉल कैन ग्रेटली इफेक्ट द परमेबिलिटी, कि जो हमारा हिली एरिया में स्लोप्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी भी हमारी किस पर डिपेंड करती है, परमेबिलिटी पर डिपेंड करती है। तो रिटेनिंग वॉल जो हमारे लोड को रिटेन करती है उसकी भी स्टेबिलिटी जो होती है किस पर डिपेंड करती है, परमेबिलिटी पर डिपेंड करती है। Permeability of soil is required in soil pumping seepage water from construction excavations. क्योंकि क्या होता है कि अगर जब हमारा अर्थन डैम की केसेस होते हैं तो उसमें क्या होता है कि पानी नीचे से पास होता रहता है, तो पानी नीचे से इस तरीके से पास होगा तो उसमें क्या होता है कि पंपिंग की प्रॉब्लम, दैट मीन्स एक डायरेक्ट कह सकते हैं पाइप के तरह एक डायरेक्ट कैरिज भी बन जाता है जिससे कि पानी वहां पे जाता रहता है, तो ये प्रॉब्लम हमारी इसमें आ जाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ परमेबिलिटी। परमेबिलिटी ये हमने जिस जनरल बात कर ली परमेबिलिटी होती है, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ परमेबिलिटी इज ए मेजर ऑफ ए गिवन पोरस मीडियम एबिलिटी टू परमिट फ्लूड फ्लो थ्रू इट्स वॉइड्स, दैट मीन्स ए पोरस मीडियम। पोरस मीडियम का मतलब है कि कंप्लीटली सैचुरेट, क्योंकि जब तक वॉइड्स के अंदर कंप्लीटली या कह सकते हैं कि जब तक वॉइड्स हमारे कंप्लीटली वाटर से फिल्ड आउट नहीं होंगे तब तक वाटर हमारा फ्लो नहीं करेगा। तो यही कहना चाह रहा है कि पोरस मीडियम होना चाहिए, इस पोरस मीडियम से हमारा फ्लूड फ्लो करने की एबिलिटी किससे, वॉइड्स के थ्रू, इसे हम क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे वही चीज लिखिए कि अगर हमारे वॉइड्स पोरस हैं, पोरस का मतलब कि हमारे वॉइड्स हैं कंप्लीटली वाटर से फिल्ड आउट है, और उसके बाद इंटरकनेक्टेड वॉइड्स से हमारा अगर उस सोइल के पास है तो उस केस में हमारी सोइल की परमेबिलिटी काफी ज्यादा होगी। दैट मीन्स कहने का ये मतलब है इस लाइन का कि अगर आप चाहते हैं कि किसी सोइल में परमेबिलिटी हो तो उसके दो रिक्वायरमेंट है कि हमारे वॉइड्स पोरस होने चाहिए, कंप्लीटली पानी से फिल्ड होने चाहिए, और दूसरा उस सोइल के अंदर इंटरकनेक्टेड वॉइड्स होने चाहिए। अगर इंटरकनेक्टेड वॉइड्स नहीं होंगे तो पानी वहां से पास नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, देयरफॉर रॉक कंक्रीट सोइल एंड मेनी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी आर बोथ पोरस एंड परमेबल। अब यहाँ पे यही कि जो हमारा कॉन्क्रीट है, सॉइल है, और मेन इंजीनियरिंग मटेरियल्स है, वो भी हमारे पोरस और परमेबल हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि रॉक है वो काफी कम परमेबल होती है हमारी, ठीक है, लेकिन परमेबिलिटी तो होती है, उसमें वॉइड से पानी निकल सकता है थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। तो हाउएवर अमंग दीस सॉइल इवन देयर डेंसेस्ट स्टेट आर मोर परमेबल, ठीक है। तो इनकी जो डेंसिटी स्टेट होती है वो भी काफी ज्यादा परमेबल हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो इंटरकनेक्टेड वॉइड्स हैं हमारे उनके थ्रू हमारा वाटर पास कर रहा है, देख पा रहे हैं आप इस तरीके से,
ये देखो ये वॉइड्स और ये वॉइड्स आपस में इंटरकनेक्ट है, जिसकी वजह से हमारा वाटर यहाँ से पास कर जा रहा है, और इसी को बोलते हैं परमिबिलिटी। अब परमिबिलिटी को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट थे डार्सी करके, जिन्होंने डार्सी लॉ दिया परमिबिलिटी को एक्सप्लेन किया। दैट मीन्स कि वाटर हमारा सोइल से किस रेट से निकल रहा है, तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए डार्सी ने एक लॉ दिया था। ठीक है, तो उसके केस में हमने उन्होंने ये बताया था कि आपका जो फ्लो, कुछ एजम्पशंस उन्होंने माने थे कि जो हमारा फ्लो है वो स्टडी होना चाहिए, लेमिनार फ्लो होना चाहिए और वन डायमेंशनल होना चाहिए, अनस्टडी टर्बुलेंट और 3D नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने एस्यूम किया था। तो इन अवर डिस्कशन तो हम ये क्या एस्यूम करेंगे, फ्लो हमारा लेमिनार है। तो ये क्या कहता है, ठीक है, तो ये कहता है कि जो परमेबिलिटी है, या जो कह सकते हैं जो डिस्चार्ज है, प्रोपोर्शनल टू दी डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन दी वाटर एंट्री पॉइंट एंड इट्स डिस्चार्ज पॉइंट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ओवर विच द चेंज इन एलिवेशन अकर्ड। दैट मीन्स आप इस फिगर से देख सकते हैं कि हमारा जो डिस्चार्ज है बेसिकली वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे इसके जो ये डिफरेंस है हमारा किसमें, जो ये डेल्टा एच, ठीक है, और जो ये लेंथ आपको दिख पा रही है, यहाँ पे जो आपको लेंथ दिख रही है ये सैंपल की लेंथ, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसकी हेल्प से हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला मिलता है तो इक्वल टू के डीएच बाई डीएल। तो डीएच बाई डीएल को हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो यहाँ पे यही है, रेट ऑफ फ्लो, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी और परमिबिलिटी। और परमिबिलिटी को हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, हाइड्रोलिक मतलब वाटर और कंडक्टिविटी उसका चलना, यानी कि वाटर का चलना, उसी को बोलते हैं परमिबिलिटी, इसलिए इसको हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। और उसके बाद है ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, और जो यहाँ पे डीएच बाई डीएल, इसी को हम आई से डिनोट करते हैं, दैट इज द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। और यहाँ पे जो एल है वो है डिस्टेंस ओवर विद द चेंज और लॉस ऑफ हेड पास, क्योंकि जो वाटर यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो उसमें कितना हेड लॉस होगा उसकी यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे यही चीज है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज द रेशियो ऑफ हेड लॉस टू लेंथ ऑफ सोइल सैंपल। तो डार्सी लो ने क्या बताया, डार्सी लो ने ये बताया कि हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा फ्लो कर रहा है, जो डिस्चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, उसकी जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होती है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को रिमूव करेंगे तो हमें मिल जाएगा के, और ये के ही हमारा क्या होता है, यही होता है कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी। अब चूंकि डार्सी ने दिया था इसलिए इसको हम बोलते हैं डार्सी कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी, बी इज इक्वल टू के आई। अब कुछ अजम्पशन, जो हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि हमारी सोइल कंप्लीटली सैचुरेट होनी चाहिए, सोइल हमारे होमोजीनियस होनी चाहिए, आइसोट्रॉपिक होनी चाहिए, फ्लो हमारा लेमिनार होना चाहिए, टर्बुलेंट नहीं होना चाहिए, और फ्लो हमारा स्टडी भी होना चाहिए, ठीक है, टेम्परल वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा है कि वेलोसिटी और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट में किस तरीके से वेरिएशन होना। अगर आप लेमिनार जोन में देखेंगे तो उस केस में आपको क्या मिलेगी, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, दैट मीन्स वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि जितनी आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी उतना ही आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बढ़ेगा। उसके बाद आप देख लोगे ट्रांजिशन जोन में आपका क्या हो रहा है, ट्रांजिशन जोन में आपका ये स्ट्रेट नाव के थोड़ा सा टर्न कर गया, ठीक है, और इसके बाद टर्बुलेंट जोन में क्या होगा, ये और ज्यादा टर्न कर गया, दैट मीन्स स्ट्रेट नहीं रहेगा, स्ट्रेट किसमें होगा, लेमिनार जोन में होगा। इसलिए डार्सी ने क्या करा था, डार्सी ने इसको कहा था कि परमिबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए जो फ्लो है हमारा वो लेमिनार होना चाहिए। इसके बाद हम इसमें यही देख सकते हैं, एट हाई ग्रेडियंट द फ्लो विल बी टर्बुलेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन विल नॉट लीनियर, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ग्रेडियंट क्या है, काफी ज्यादा है, और ज्यादा ग्रेडियंट होगा तो वहां पे हमारा वी और आई की रिलेशनशिप क्या होगी, वो लीनियर नहीं होगी, और ये सब जो है हमारा हाई ग्रेडियंट किसमें आ रहा है, टर्बुलेंट जोन में आ रहा है बेसिकली, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई मे नॉट बी वैलिड, तो क्योंकि जो हमारा जो रिलेशनशिप है वी और आई का वो लीनियर ही नहीं है, तो इसलिए वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई वैलिड यहाँ पे नहीं होगा, इसमें टर्बुलेंट जोन में। दिस इज द केस इन ग्रेवल एंड वेरी कोर्स सैंड, और ये जो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई जो केस है वैलिड नहीं होता, ये जनरली ग्रेवल और कोर्स सैंड के उसमें होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ सोइल में हमारा जो फ्लो है हम लेमिनार मानते हैं, और लेमिनार फ्लो में हमेशा ही वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, दैट मींस वी और आई की जो रिलेशनशिप है वो वैलिड होगी। इसके बाद डार्सी लो, वैलिड फॉर वेरी लो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, तो अगर कोई लो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है तो उसके लिए हमारा डार्सी लो वैलिड होगा,
These equations imply that for very low hydraulic gradient relationship is non-linear. अब देखो अगर आपका काफी ज्यादा जैसे कि हमने देखा था अभी कि हाई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पे हमारा लीनियर नहीं था, तो लो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पे हमारा क्या है रिलेशनशिप लीनियर नहीं होता। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि डार्सी लॉ जो हमारा वैलिड है किसके लिए, फॉर लो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं जो ये आपका टेंजेंट आ रही है वो स्ट्रेट लाइन है। इसके बाद फ्लो रेट जिसको फ्लक्स कहते हैं, अगर ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है थ्रू व्हिच जिससे वाटर हमारा पास कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं क्यू इज इक्वल टू के आई ए, के हमारा परमेबिलिटी कोफिशिएंट, आई हमारा ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, और ए हो जाएगा हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, क्वांटिटी ऑफ फ्लो कितना वाटर हमारा फ्लो कर रहा है। इफ फ्लो अकर्स वेरी पीरियड ऑफ शॉर्ट टाइम टी, द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर क्यू फ्लोइंग ड्यूरिंग दी पीरियड, यानी कि अगर डिस्चार्ज हमारा क्यू है तो क्यू बाई टी हमारा क्या हो जाएगा टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्लो, तो क्यू इज इक्वल टू के आई ए टी हम लिख सकते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन की मदद से लिख लेंगे ना। तो यहाँ पे क्यू क्या हो, यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या है क्यू टी, और क्यू यहाँ पे इस तरीके से हम लिख लेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद कुछ रिमार्क है कि के टिपिकली कैन नॉट बी कोरिलेटेड विद पोरोसिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्ले हैज वेरी हाई पोरोसिटी बट वेरी लो परमिटिविटी, यानी कि जो क्ले है अब पोरोसिटी के साथ हम के को कोरिलेट नहीं कर सकते, परमिटिविटी कोरिलेट नहीं कर सकते। दैट मींस जैसे कि जो हमारा क्ले होता है वो हाइली पोरस होता है, दैट मींस उसके जो वॉइड्स में काफी ज्यादा पानी होता है लेकिन उसकी परमिटिविटी कम होती है, जो वॉइड्स काफी छोटे होते हैं और इंटरकनेक्टेड वॉइड्स काफी कम होते हैं। उसके बाद सिंगल लिवर में टाइप हो गया हमारा सैंडस्टोन, उसमें जो हमारा के वेलोसिटी इंक्रीज होता है, अगर पोरोसिटी भी इंक्रीज होती है फॉर मोस्ट नेचुरल फॉर्मेशंस परमेबिलिटी चेंजेस विद लोकेशन एंड डायरेक्शन, अगर आप लोकेशन और डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो उस केस में परमेबिलिटी हमारी चेंज हो जाती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये होमोजीनियस हो गया, हेटेरोजीनियस हो गया। ठीक है, इसके बाद डिस्चार्ज एंड सीपेज वेलोसिटी, तो देखो दो टाइप की हम वेलोसिटीज की बात करते हैं, एक तो डिस्चार्ज वेलोसिटी एक सीपेज वेलोसिटी। तो इसमें सिंपल से बात आप ये समझ लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होते हैं उसकी मदद से डिस्चार्ज इक्वल टू वी इंटू एरिया, मतलब वेलोसिटी इंटू एरिया, तो हम सभी जानते हैं हाइड्रोलिक्स के टाइम से जानते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर आप टोटल ग्रोस क्रॉस सेक्शन एरिया जितना भी आपका सोइल सैंपल है पूरा अगर आप उसके पूरे एरिया को कंसिडर कर रहे हैं तो उस केस में जो वेलोसिटी आएगी वो डिस्चार्ज वेलोसिटी होगी। ठीक है, लेकिन इसको अपेरेंट वेलोसिटी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको अपेरेंट वेलोसिटी, इसको इसलिए बोलते हैं कि जो वाटर है वो पूरे सोइल सैंपल से, जब हम परमिबिलिटी की बात करते हैं तो जो वाटर है पूरे सोइल सैंपल से पास ना होके इंटरकनेक्टेड वॉइड्स के थ्रू पास होता है, तो इसलिए पूरा जो ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कंसिडर नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपेरेंट वेलोसिटी। लेकिन हमारी एक वेलोसिटी होती है सीपेज वेलोसिटी, दैट मींस वाटर आर सीप्स थ्रू इंटरकनेक्टेड वॉइड्स, तो जो इंटरकनेक्टेड वॉइड्स से जो वाटर सीप्स करता है वाटर पास करता है उसकी वेलोसिटी हमारी एक्चुअल वेलोसिटी है, जिसको हम क्या बोलते हैं सीपेज वेलोसिटी। तो इसी को हम यहां पर बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी एट विच द वाटर फ्लो थ्रू द सोइल पोर्स इज ऑब्टेन बाय सीपेज वेलोसिटी। तो यहां पे जो हमारा एरिया हम कंसीडर करेंगे वो एरिया ऑफ वॉइड्स कंसीडर करते हैं, ना कि टोटल एरिया कंसीडर करते हैं। क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसलिए करते हैं कि जो हमारा वॉइड से पानी निकल रहा है वो वॉइड से पानी निकल रहा है, टोटल से टोटल एरिया हो गया हमारा एरिया ऑफ सॉलिड प्लस एरिया ऑफ वॉइड्स। अब सॉलिड से तो पानी पास हो नहीं रहा है, पास कहाँ से हो रहा है वॉइड से हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे होगा एरिया ऑफ वॉइड, इसीलिए हम कहते हैं कि सीपेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन डिस्चार्ज वेलोसिटी, जो सीपेज वेलोसिटी है डिस्चार्ज वेलोसिटी से ज्यादा होती है, यहाँ पे एरिया हमारा कम कंसिडर करते हैं। ठीक है, और सीपेज वेलोसिटी और डिस्चार्ज वेलोसिटी के बीच रिलेशन हम कह सकते हैं v इज इक्वल टू v अपॉन m, n जहां पे हमारी क्या है पोरोसिटी है। तो ये कुछ टिपिकल वैल्यूज होती है हमारी के की, जैसे कि क्लीन ग्रेवल में सबसे ज्यादा हमारी परमिटिविटी हो ग्रेटर देन 1, और जैसे कि हम अपने जो सोइल सैंपल सोइल के पार्टिकल से छोटे होते चले जाए, क्लीन कोर्स सैंड हो गया, फाइन सैंड हो गया, उसके बाद सिल्टी सैंड हो गया, उसके बाद डेंस सिल्ट हो गया, क्ले सिल्ट हो गया, क्ले सिल्ट हो गया, तो इस तरीके से हमारा क्या होगा परमिबिलिटी कम होती चले, क्यों कम होती चले जाती है, क्योंकि जो हमारा कोर्स ग्रेन सोइल है वहां पे जो वॉइड्स होता है उनके बीच काफी
ज्यादा बड़े होल्स होते हैं जिसकी वजह से वहां पर परमेबिलिटी काफी ज्यादा होती है, दैट मीन रेट ऑफ फ्लो थ्रू द इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड्स आर वेरी हाई, जिसकी वजह से वहां पर परमेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं चार्ट की मदद से, टेबल की मदद से, क्लीन ग्रेवल में वेरी हाई है और जैसे जैसे हम सैंड में आते हैं थोड़ी हाई होगी, फाइन सैंड में उससे और थोड़ी मीडियम होगी, सिल्ट में लो होगी, क्ले सिल्ट में वेरी लो होगी, और अगर कोई क्ले टाइप की सॉइल है तो उसमें प्रैक्टिकली इम्परमीबल, बहुत धीरे धीरे पानी उसमें से निकलता है। कुछ लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं जैसे कॉन्स्टेंट हेड टेस्ट और फॉलिंग हेड टेस्ट, ठीक है, परमीमीटर इसमें यूज करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्स्टेंट हेड टेस्ट होता है, इसमें सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर क्यू जो है हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड कैन बी एक्सप्रेस्ड के इज इक्वल टू क्यू एल अपॉन ए एच टी, जहाँ पे क्यू हमारा है वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल स्पेसिमेंट और टी है ड्यूरेशन ऑफ वाटर कलेक्शन। दिस मेथड रिकमेंडेड व्हेन वी हैव अ कोर्स ग्रेनुलर सॉइल, दैट मींस कैन कंप्लीट कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट जो होता है वो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए एप्लीकेबल होता है, क्योंकि इसमें हमें अमाउंट ऑफ वाटर काफी ज्यादा चाहिए होता है। तो अगर हम फाइन ग्रेन सॉइल ले लेंगे तो उस केस में वाटर को पास करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए ये टेस्ट होता है वो सुटेबल होता है किसके लिए, कोर्स ग्रेन सोइल के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वाटर की सप्लाई कर रहे हैं और इसके बाद इस सोइल सैंपल जो कि एल लेंथ का है, यहाँ से वाटर पास होगा और यहाँ से कितना अमाउंट ऑफ वाटर निकलना है और उसको टी से डिवाइड कर देंगे कितने टाइम में निकला, दैट मीन्स इस डिस्टेंस को वाटर ने कितने टाइम में कवर किया, यानी कि यहाँ से अगर हमने कॉन्स्टेंट सप्लाई वाटर कर रखी है और यहाँ से वी अमाउंट ऑफ वाटर निकला टी टाइम में, तो यहाँ से डिस्चार्ज हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्यू। The water used in this test should be T-arid. ठीक है, this test is more suitable for with high K, that means high permeability. वही चीज जैसे कि मैंने आपको बताया था इस तरीके से। इसके बाद सेकंड है हमारा फॉलिंग हेड टेस्ट, और फॉलिंग हेड टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल हेड टेस्ट, दैट मीन्स जैसे कि पिछले टेस्ट की तरह इसमें जो हेड होता है वो वेरी करता है, पिछले वाले में नहीं करता था और इसमें हेड हमारा वेरी करता है, तो पिछला वाला था इसमें हमारा हेड को कांस्टेंट रखते हैं इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट हेड बोलते हैं, और यहाँ पे फॉलिंग हेड जो हमारा वाटर है वो वाटर में जो मतलब के फ्लो करने से जो हेड है वो वेरी करता है। तो ये चीज इसमें मेन चीज एक ही है कि ये जो टेस्ट होता है ये फाइन ग्रेन सोइल जैसे कि हमारी क्ले सिल्ट हो गया उनके लिए ज्यादा सुटेबल होता है, ये लिखा हुआ ना क्ले एंड सिल्ट इनके लिए ज्यादा सुटेबल होता है, क्योंकि इसमें हमें क्या होता है टाइम हमारे पास काफी होता है और पानी कितना निकल पा रहा है तो उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं फॉलिंग हेड टेस्ट की मदद से, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है के इक्वल टू 2.303 लॉग 10 H1/H2, ठीक है, इस तरीके से इसमें होता है। इसके बाद थैंक यू, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिव स्ट्रेसेस के बारे में, आज हमने डिस्कस करा परमेबिलिटी के बारे में, और परमेबिलिटी और या फिर इफेक्टिव स्ट्रेसेस हो या फिर कैपिलरिटी हो, तीनों ही केस में हमारी जो सोइल होती है वो कंप्लीटली सैचुरेट होनी चाहिए, तभी हम इफेक्टिव स्ट्रेसेस की बात कर सकते हैं, तभी हम परमेबिलिटी की बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर।